नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी फॉर एस में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक की इक्वेशन के बारे में। इक्वेशन कहाँ अप्लाई होगी उसके बारे में। तो सबसे पहली बात कि जब हम ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करते हैं तो ऐसे सिचुएशन में हमें इस कैरेक्टरिस्टिक में चार अलग अलग क्षेत्र मिलते हैं। दैट इज 0 to 8, दैट इज नोन एज ओमिक रीजन। इसे हम कैसे ओमिक रीजन से आइडेंटिफाई करते हैं। सेकेंड रीजन या दूसरा जो क्षेत्र होता है दैट इज ए टू बी जो है इसे कहा जाता है कर्व ए टू बी रीजन। थर्ड इज बी टू सी, बी से सी का जो रीजन होता है इसे पिंच ऑफ रीजन या फिर सेचुरेशन रीजन कहा जाता है। एंड द फोर्थ रीजन इज सी टू डी, दैट इज नोन एज ब्रेक डाउन रीजन। इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रेक डाउन रीजन से। जब हमारा जे फेट सेचुरेशन रीजन में होता है या कहें हम पिंच ऑफ रीजन में होता है तो इसके लिए डॉक्टर शॉकले ने एक इक्वेशन प्रोवाइड की। दैट इक्वेशन इज नोन एज शॉकली इक्वेशन। इस इक्वेशन को शॉकले इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें इस सिचुएशन में जे फेट है वो सैचुरेशन रीजन में हो तो उस सिचुएशन में ड्रेन करंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम आईडी कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वाया शॉकले इक्वेशन। और ये इक्वेशन क्या है, आईडी इक्वल्स टू आईडी एसएस ड्रेन टू सोर्स सैचुरेशन करंट इनटू 1 माइनस वीजीएस अपॉन वीजीएस ऑफ, ठीक है, का होल स्क्वायर। यह हमारी क्या है, शॉकले इक्वेशन। इसके थ्रू आप आईडी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं डिफरेंट वैल्यू ऑफ वीजीएस के लिए। अब ये जो वीजीएस ऑफ है ये क्या होता है, दैट इज योर पिंच ऑफ वोल्टेज। इसे ही क्या कहा जाता है, पिंच ऑफ वोल्टेज। दैट इज वाई इस इक्वेशन को हम इस वे में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अदर वे में, दैट इज आईडी एस एस इंटू 1 माइनस वीजीएस अपॉन वीपी पिंच ऑफ वोल्टेज का होल स्क्वायर। आई होप आप सभी को ये क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। अब हम बात करते हैं जे फेट की ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक के। सो इन केस ऑफ ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, तो हमें पता है कि ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक में हम क्या करते हैं, हम इनपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं जब आउटपुट वोल्टेज क्या हो, कांस्टेंट हो। क्लियर है? तो ऐसे सिचुएशन में हम ग्राफ किसके बीच प्लॉट कर रहे हैं, इनपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट। इनपुट वोल्टेज क्या है, दैट इज वीजीएस, और आउटपुट करंट क्या है, दैट इज ड्रेन करंट। सो जब भी हम इनपुट और आउटपुट की क्वांटिटी के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इसे कहा जाता है ट्रांसकंडक्टेंस। क्लियर है? ट्रांसकंडक्टेंस। सो इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसकंडक्टेंस कर्व। यानी जब भी आपके सामने एक क्वांटिटी इनपुट की और एक क्वांटिटी क्या हो, आउटपुट की हो, तो ऐसे सिचुएशन में वो जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो कहलाएगी ट्रांसफर। वो क्या कहलाएगी, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। इस कैरेक्टरिस्टिक को प्लॉट करने के लिए सर्किट तो सेम है जैसा हमने जेफेट कैरेक्टरिस्टिक का देखा, वैसा ही होगा। बस अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले VDS ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को कांस्टेंट करते हैं, उसके बाद VGS की वैल्यू सूटेबल स्टेप्स में इंक्रीज करते हैं, इन स्टेप के अकॉर्डिंग ID की वैल्यू को नोट करते जाते हैं, देन फिर अगेन VDS की वैल्यू को फिर से एक वैल्यू पर कांस्टेंट कर देते हैं। इस वे में जब हम डिफरेंट वैल्यू नोट कर लें, उसके बाद इन वैल्यूज़ के यानी इनपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच जब हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं, इनपुट वोल्टेज को एक्स एक्सिस पर जबकि आउटपुट करंट को वाई एक्सिस पर रखकर जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये हमें एक पैराबोला मिलता है और ये कुछ इस तरह का होगा। जीरो y एक्सिस पर क्या है, दैट इज आर करंट आईडी इन मिली एम्पियर, जबकि x एक्सिस पर क्या है, दैट इज वीजीएस इन वोल्ट। अब आप कहेंगे कि हमने ये जो वीजीएस है इसे नेगेटिव एक्सिस पर क्यों लिया, वी नो दैट कि जो ये वीजीएस है, ये वीजीएस क्या है, ये वीजीएस जो है
नेगेटिव है, रिवर्स है, इसके तो हमने गेट टू सोर्स को रिवर्स वाइज किया है, दैट इज वाई ये वोल्टेज हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। पर इस नेगेटिव वोल्टेज के रिस्पेक्ट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो तो क्या हो रहा है, प्लस पॉजिटिव करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज वाई हमने इसे इस एक्सिस पर लिया है। क्लियर है? नाउ अब हम इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करेंगे, सबसे पहले VDS को, सबसे पहले ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को उसकी मैक्सिमम वैल्यू पर सेट करते हैं। जब हम उसे उसकी मैक्सिमम वैल्यू पर सेट करेंगे तो हमें यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा, इस वाई एक्सिस पर एक करंट मिलेगा इस करंट को, क्योंकि इस टाइम VGS की वैल्यू क्या है, जीरो। जब VGS की वैल्यू जीरो होती है तो उस टाइम VDS की मैक्सिमम वैल्यू के लिए करंट भी क्या होता है, मैक्सिमम। और इस करंट को हम क्या कहते हैं, IDSS, ड्रेन टू सोर्स सैचुरेशन करंट। इसके बाद जैसे जैसे हम VGS की वैल्यू को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हमने VGS की रिवर्स वाइज वोल्टेज को इंक्रीज किया ये वैल्यू, ठीक है, ये करंट धीरे धीरे क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पर करंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट को ही क्या कहा जाता है, VP, पिंच ऑफ वोल्टेज, और इट इज ऑल्सो नोन एज VGS ऑफ, इसे ही क्या कहेंगे हम, VGS ऑफ। इस कर्व के, इस पैराबोला के किसी भी पॉइंट पर ID के वैल्यू अगर हमें फाइंड करना है तो उसके लिए हमें सेम शॉकले इक्वेशन प्रोवाइड की गई, ID इज इक्वल टू दैट इज IDSS इंटू 1 माइनस VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन के थ्रू इस पैराबोला के किसी भी, ठीक है, इस पैराबोला के किसी भी पॉइंट पर हम क्या कर सकते हैं, हम उस ID की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। आई होप आप सभी को ये क्लियर होगा। इट इज़ आइडियल, ठीक है, कि जब VGS क्या है, एक VGS की स्पेसिफिक वैल्यू के लिए ID की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। इन एक्चुअल प्रैक्टिस जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो आपका जो कर्व होता है, ठीक है, ये जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व है वो आपको कुछ इस तरह का मिलता है, IDVGS इन वोल्ट। देन जैसे ही आप इसको इंक्रीज करेंगे तो आपका पैराबोला कुछ इस तरह का मिलता जाएगा आपको, कॉन्स्टेंट करंट, जस्ट बिकॉज कि हमें पता है दोनों डिप्लीशन लेयर क्या है, आपस में एक दूसरे को टच नहीं करती, जस्ट बिकॉज दोनों सेम पोलरिटी के हैं, इसलिए यहाँ पर चैनल की विड्थ क्या हो जाती है, कॉन्स्टेंट हो जाती है, और करंट का फ्लो भी क्या हो जाता है, कॉन्स्टेंट हो जाता है। आई होप आप सभी को जे फेट की ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक आइडियल एंड प्रैक्टिकल क्लियर होगी, एज वेल एज हम इस पैराबोला को इस इक्वेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन इस पैराबोला से आप कहीं पर किसी भी VGS की किसी भी वैल्यू के लिए करंट की वैल्यू, ड्रेन करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।